यहाँ बकरे का मांस बना रहे हैं भारी मात्रा में रेलवे पुल पर। रेलवे पुल पर नहीं नहीं, यही बगल में जहाँ उस दिन पकड़े थे, इस दिन मांस भी बरामद है। बकरी गए? अच्छा, बकरी का मांस। कई लोग आप लोग बना रहे थे? कितने लोग हैं सामने खड़े हो? सामने एक 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 दिन में दो दो जगह, एक दिन में दो दो जगह मांस पकड़ा गया है। आप लोग देख सकते हैं, ऐसे लोग धर्म की नगरी को साले। जी जी, इन लोगों को यहाँ रहने का कोई। ठीक ठीक यार, एक चक्कर की है छोड़ दिया गया, दूसरी चक्कर आ रहे हो। वीडियो इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, अभी यहाँ हटाना, इधर दिखाओ, फोटो लेना चाहिए। नहीं अभी इनमें हरियाणा सटिए मत, फोटो लेना चाहिए। ये बकरे की मांस है, आप देख सकते हैं इधर ठंड में, आप देख सकते हैं बकरे की मांस है भैया। और अभी आज दो दो जगह पे छापा डाला गया है, मिली है। मैं प्रशासन महोदय से निवेदन कर रहा हूँ कि प्रशासन यहाँ पे कैसी है जो है व्यवस्था। ये ऐसे लोग घाट के किनारे जो है मांस बना बना के खा रहे हैं, धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं, संतों की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। क्या इन लोगों को सजा नहीं मिलेगी? बकरे का मांस बकरे का मांस क्या बन रहा है? जैसा कि अभी आप एक हफ्ता पहले भी अयोध्या में हम लोगों के द्वारा जो है छापा डालने के द्वारा एक मुर्गे का मांस पकड़ा गया था, और आज फिर पुनः उसी गलती को यहाँ के जो है जो घुमंतू लोग आते हैं, ये लोग आज फिर से एक जगह बकरे का मांस, एक जगह मुर्गे का मांस बना करके और चौधरी चरण घाट के पास में सरयू तट के किनारे लोग खा रहे हैं। तो पर अयोध्या की भावनाओं पर, अयोध्या की आस्था पर बहुत बड़ी ठेस पहुंच रही है। इसके विषय में हमने प्रशासन से भी जो है शिकायत किया था, और आज प्रशासन को मैंने मौके पर जो है मांस का टुकड़ा सहित और अपराधी उनका आधार कार्ड पूरा बाकायदा हमने बरामद करा दिया है।